वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम एनटीपीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट और मंडे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले वीक में वो भी चेक करेंगे। तो एनटीपीसी स्टॉक में देख सकते हो कि 1 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी और 152.50 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था एनटीपीसी स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन में, तो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप से ओपन हुआ था, फिर भी यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग को जैसे ब्रेकआउट दिया तो गिरावट देखने को मिली थी एनटीपीसी स्टॉक में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब ओपनिंग प्राइस भी देख सकते हो 154.90 थी, हाई भी सेम बनाया था, जहाँ पे ओपन हुआ था हाई भी सेम बना के यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी और लो देख सकते हो 151.20 का बना चुका था। तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग थी 153.50 की। मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन 1.47 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 10.32 का इन्वेस्ट करने के लिए सही है और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया 4.69% का है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 6.35% की यहाँ पे रैली की है, तकरीबन 9 पॉइंट अफ लास्ट 5 डेज में, और 1 मंथ में करीबन 15.97 तकरीबन 16% की रैली कर चुका है एनटीपीसी स्टॉक। और जनवरी से भी मूवमेंट देखी जाए तो जनवरी से भी 21% अफ है एनटीपीसी लिमिटेड स्टॉक। तो चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मंथ में मंथली रजिस्ट्रेशन 1 के साथ ओपन हुआ था एनटीपीसी स्टॉक, गैप अप से ओपन होकर रजिस्ट्रेशन 2 भी ब्रेक किया था, रजिस्ट्रेशन 3 भी ब्रेक किया था, पर ऊपर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन 4 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लग गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेके यहाँ पे रिसेंटली गिराव देखने को मिल रहा है। नीचे भी आता है तो रजिस्ट्रेशन 3 तक आने के चांसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन 147 तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी स्टॉक की गिरावट भी होती है मंडे के दिन, मंडे ट्यूजडे को, तो भी फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कल मंडे के दिन सेम लेवल पे ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 4 ब्रेक करेगा तो ऊपर 160 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एनटीपीसी स्टॉक के लिए।